इन तस्वीरों का इंतजार पूरा देश दो दिनों से कर रहा था। दो दिनों से पूरे देश की नजरें इन तस्वीरों के लिए टकटकी लगाए हुए थी। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों का ये दृश्य अपने से लग रहे थे। दुश्मनों को धूल चटा कर उसी की धरती पर निडरता से सीना तान कर उनकी सेना का सामना करके देश का बेटा वतन लौट रहा था। हिंदुस्तान का वायुवीय स्वदेश लौट रहा था। हिंदुस्तान का बेटा है अभिनंदन। हमें नाज है उस धरती पुत्र पर, नाज है हिंदुस्तान को अपने वायुवीर पर। हिंदुस्तान का बेटा है, हमें नाज है उस पर। पूरे देश की दृष्टि देख रही थी अपने शूरवीर को। कंठ से बस एक ही नाम निकल रहा था, अभिनंदन का, और जुबान पर थे तो बस भारत माता की जय के नारे। किसी त्योहार से कम नहीं थे ये पल देश के लोगों के लिए। गर्व से चौड़ा हो गया था उस बहादुर जवान के पिता का सीना। माँ की ममता भी ऋणमुक्त हो गई थी इस पल के सामने, क्योंकि ये उत्सव के पल थे और हर देश प्रेमी उत्साह में था। As per standard operating procedure of the Indian Air Force, he will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated particularly because the officer has had to eject from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IAF is happy to have Abhinandan back. Thank you. खुश नसीब होती है वो मिट्टी जहाँ ऐसे सपूत जन्म लेते हैं। किस्मत की धनी होती है वो धरती जहाँ ऐसे कमल खिलते हैं। वो हवा भी सुगंधित हो जाती है जहाँ ऐसे वीर सांस लेते हैं। वरना आतंक की धरती से ऐसे सम्मानित होकर लौटना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, हर किसी को मयसर नहीं होता ऐसा मान। वो अभिनंदन ही होते हैं जिन्हें मिलता है ऐसा सम्मान।